हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ब्यूटी ब्लश 5। हाउ आर यू ऑल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं ये लुक शेयर करने वाली हूँ, ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ सिर्फ चार प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि एक पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है सारे, और ये टीनेज मेकअप है। सो कीप ऑन वॉचिंग टिल एंड। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल लिया है एज अ प्राइमर अपने फेस को प्राइम करने के लिए। आप इसे अपने फेस को प्राइम कर ले अच्छे से और एक मिनट के लिए छोड़ दे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गार्नियर की बीबी क्रीम। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट क्रीम है, एक्चुअली बीबी क्रीम है। एक्चुअली मैं एक ड्राई स्किन पर्सन हूँ, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पॉन्ड्स की यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप फेयर एंड लवली की भी यूज़ कर सकते हैं। बट ड्राई स्किन वाले आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप ये गार्नियर की बीबी क्रीम ही यूज़ करें। अब मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस एंड नेक टू। आपने अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पे भी अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। अपने नेक को भी बिल्कुल नहीं अवॉइड करना है, ये बहुत ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को पैक करने के लिए, जो भी मैंने बीबी क्रीम लगाई है उसको सेट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। इसके लिए मैंने इन कलर की ब्राउन शेड की आईब्रो पेंसिल ली है, दिस इज़ माई फेवरेट वन। आप भी इसको ट्राई करके देखना, ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्लस बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई हैव डन विद माई आईब्रोज एंड द सेकेंड, आप इसको अपने फेस को फिर से अच्छे से, मैंने एक बार ब्रश अप्लाई कर लिया अपने फेस पर। अब मैं यहाँ पे अर्बन कलर जो कि सॉरी मोदी केयर का है, यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ। ये काजल बहुत ज़्यादा हेल डार्क है, आप इसको यूज़ करके देखना, बहुत ही अच्छा जेड ब्लैक काजल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक स्मजर के साथ, मैं अपनी आईज़ को स्मज कर रही हूँ, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक स्मोकी इफेक्ट देता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मेरी आईज़। और उसके बाद मैंने अपने आईलिड पर भी इसी को ही लगाया है, मोदी केयर के ही काजल को लगाया है। ये बिल्कुल हर्बल काजल है, बट ये डार्क बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल ये 10 आवर्स के लिए स्मज फ्री है। इसको मैंने अपने दोनों आईलिड्स पर लगा लिया है और मैं इसको भी अपने ब्रश के साथ अच्छे से स्मज कर लूँगी। अच्छे से स्मच कर लीजिए अपने दोनों आईज को, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है दोनों आईज पे। आप इसको एज सिंपल वाटर लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं, आईलिड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक है। अब मैं यहाँ पे मेबलिन का लेस सेंसेशनल आई मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई मस्कारा है, इससे आपको एक नेचुरल लिफ्टेड आईज मिलती हैं, सॉरी लैशेज मिलती हैं, जो कि देखने में बहुत बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। सो आई लव दिस मस्कारा टू मच। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट लिया है, इसमें से मैंने पिंक शेड लिया है अपने चिक्स को ब्लश करने के लिए। गाइज, ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जर्सी गर्ल यानी कि FC की न्यूड शेड में लिपस्टिक ली है। ये बहुत ही प्यारा एक न्यूड शेड है, ना तो ये आप इसको कॉपर कलर बोल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना चेंज है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस लुक को क्रिएट करने में सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, और जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप शेयर करूँ आपके साथ, या फिर पॉकेट फ्रेंडली जो भी मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उसका मैं आपको रिव्यू करूँ, सो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।